मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जिला प्रशासन का बिल्डोजर एक्शन में है, यहाँ के अधिकारी एक्शन में है और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ अपना अभियान छेड़ चुके हैं। बिगुल बच चुका है अवैध कॉलोनी के खिलाफ, अब जो है अभियान जारी है और जितनी भी अवैध कॉलोनी है उन सबको चिन्हित कर जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर वह कॉलोनी अवैध निकलती है तो उस पर जिला प्रशासन अपना बिल्डोजर भी चला देगा। कि इस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद में अब जो है मध्य प्रदेश का प्रशासन हरकत में आया है। इससे देखते हुए लगता है कि अवैध कॉलोनाइजर या फिर वो भाजपा के हो या कांग्रेस के या फिर किसी अन्य दल से, उनके खिलाफ भी जो है ऐसी कार्रवाई की जाएगी। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये है बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा स्थित एक हॉस्पिटल के पीछे जो अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा था, इस पर जो है जिला प्रशासन ने जो है अपना बिल्डोजर चलाया है। SDM पल्लवी पुराणिक, तहसीलदार रामलाल पर व पटवारी समेत जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी है मौके पर पहुँचे और जो बुकिंग सेंटर इन्होंने बीच में बनाया था उसको जो है ध्वस्त यहाँ पे जिला प्रशासन ने किया है। वही आपको एक बात बता दें कि ये जो कॉलोनी है किसी महाजन की थी, सतीश महाजन, और कोई इसमें एक पार्टनर नाम सामने आ रहा है। इस पर जो क्या कार्रवाई होती है तो खैर आने वाले समय में आपको दिखाई गई, लेकिन पिछले दो दिनों में जो है जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। SDM पल्लवी पुराणिक जो एक्शन में आकर उन्होंने कार्रवाई की है, बिल्डोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। इसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। फिलहाल इस कॉलोनी पर जो बिल्डोजर चला है इस पर SDM पल्लवी पुराणिक क्या कह रही है ये सुनिए। ग्राम मोहम्मदपुरा में एक कॉलोनी काटी जा रही थी जिसका न डायवर्शन है, न TNCP है और ना ही कोई अन्य परमिशंस ली गई है, और यहाँ पर शासकीय नाले पर भी अतिक्रमण किया गया है तो उसको हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। क्या जुर्माना लगाया जाएंगे कॉलोनाइजर पर? नियमानुसार 248 पर प्रकरण दर्ज किया गया है तहसीलदार के द्वारा, उसके आधार पर जितना ज़्यादा मैक्सिमम मार्केट रेट का 20% का प्रावधान है तहसीलदार को जुर्माने का, तो जितना मैक्सिमम तहसीलदार लगा सकते हैं उतना जुर्माने की प्रावधान कार्रवाई की जाएगी। किसके द्वारा? जमीन पर अतिक्रमण करना, उससे जुर्माना भी वसूला जाता है? बिल्कुल, जो MPLRC की धारा 248 में प्रावधानित है कि जिस किसी व्यक्ति ने भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध आधिपत्य कर रखा है, उसको मुक्त भी करवाना है और उस पर जुर्माना भी वसूल। कॉलोनाइजर कौन है, इस कॉलोनी का मालिक कौन है? वो अभी हम जाँच कर रहे हैं, एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाए हमारे पास उसी की हम जाँच कर रहे हैं। कॉलोनी काट देते हैं और उसके बाद उनको कोई सुविधा ही नहीं देती, तो क्या अब जिला प्रशासन या आपके माध्यम से कोई कॉलोनी सेल बनाया जाएगा और जो जिन्होंने मकान खरीदे जो पीड़ित हैं उनकी शिकायत लेके उसका कंप्लायंस किया जाएगा? सभी की शिकायत पर हम कार्रवाई करेंगे और स्पष्ट सा सबके लिए मैसेज है कि जो भी नियम विरुद्ध कार्य करेगा वो दोषी है और वो दोषी दंड का भागीदार भी रहेगा। आपने सुना SDM पल्लवी पुराणिक को किस तरीके से जो है अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ जो है अभियान छिड़ चुका है बुरहानपुर में, अब इनके खिलाफ में क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल अभी तक के तो ऐसी कोई ठोस कार्रवाई, जिस तरीके से SDM ने कहा था कि FIR भी करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई बहरहाल, लेकिन कार्रवाई तो होगी ज़रूर। ऐसी और ख़बरों के लिए आप देखते रहिए।